और उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश यहां पर प्लानिंग की गई थी। तो रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। कानपुर में पटरी पर रखे सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए। पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस भी रखी हुई थी। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी ये साजिश थी, कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। वो तो गनीमत रही कि लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, इसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से बड़ी साजिश देखी गई है। ऑनलाइन पर भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, हाल के दिनों में कई बार हमने देखा है कि जानबूझकर रेलवे को इस तरह से साजिश उसके खिलाफ रचने की कोशिश की गई है, कई ऐसी घटनाएं सामने भी आई। एक बार फिर कानपुर से ऐसी खबर, क्या जानकारी इसको लेकर अभी तक? बिल्कुल, रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कल रात की यह घटना बताई जा रही है। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और ये कोई पहली घटना नहीं है कि ट्रैक पर इस तरह की चीजें जो है वो मिली है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सिलेंडर जो है वो मिला है और इससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने समय रहते इसे देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इसके बाद आरपीएफ ने जब जांच शुरू की, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर सिलेंडर बरामद हुआ है। फिलहाल रेलवे की तरफ से यही जानकारी सामने आ रही है कि जांच जो है की जा रही है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह से लोहे के रॉड्स और लोहे की तमाम सारी चीजें जो है ट्रैक पर मिली है और बड़े हादसे होते होते बचे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बार बार जो रेलवे को टारगेट कर रहा है और इस चीज की और ऐसे में इन तमाम सारी चीजों को ट्रैक पर मिलना ही बड़ा कड़ी हादसा हो सकता था। और इस तरह से अगर बात करें, कल शाम की 8:30 बजे की यह घटना है जब कानपुर से अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम ठीक है भावना, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार दिन भर इस पर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।